हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज की इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये हमारा यूनिट फोर्थ का टॉपिक है एंड उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स पेपर टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देने वाले हैं एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है एंड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स हेल्पफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंटिंग होता क्या है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बेसिक फंक्शन होता है किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है? बेसिक फंक्शन की कम्युनिकेट करना। और अकाउंटिंग क्या करता है? कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अनेबल देम टू मेक रिस्पॉन्ड द डिसीजन। ठीक है, एंड टू अब क्लियर हो गया अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की एंड बेसिक फंक्शन क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का? कम्युनिकेट करना। एंड अकाउंटिंग क्या करता है? कम्युनिकेट करता है बिजनेस के रिजल्ट को। किसके साथ कम्युनिकेट करता है? जो यूजर्स है अकाउंटिंग के। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टू अनेबल देम टू मेक द रीजन डिसीजन। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है? वो नेट रिजल्ट देता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस बताता है अकाउंटिंग पीरियड में कितना हुआ। और बैलेंस शीट क्या बताती है? कि वो बताती है कि नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। एंड ये क्या करते हैं? इंडिकेट करती है फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, क्लियर हो गया। जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड इज द बैलेंस शीट। ठीक है, एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ द न्यूमेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करते हैं? नेट रिजल्ट शो करते हैं एंड नेट प्रॉफिट देखते हैं कि नेट लॉस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और बैलेंस शीट क्या दिखता है? वो देखते हैं कि नेचर क्या है, अमाउंट क्या है एसेट्स का, लाइबिलिटी का, एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस कितनी है। फाइनेंशियल पोजिशन देखते हैं हम एक बिजनेस के एक पर्टिकुलर डेट के अंदर। फर्स्टली अभी मैंने यह समझाया आपको कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग सबसे पहले बता होना चाहिए कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है। बिजनेस की लैंग्वेज ही क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक है, बेसिक फंक्शन क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का? कम्युनिकेट करना। एंड जब हम ये कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग क्या फॉलो करता है? जब भी हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे तो अकाउंटिंग फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द न्यूमेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। किसका प्रोसेस फॉलो करता है? इस टाइप से प्रोसेस फॉलो करेगा, फर्स्टली वो रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद क्लासिफाइड, देन समराइज करेगा न्यूमेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जिससे कि जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट आए इन द इन क्रिएशन ऑफ है कि हम बना सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? नेट रिजल्ट। और बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे क्रिएट होगी? जब हम कम्युनिकेट करेंगे उन्हीं इंफॉर्मेशन को, और जो अकाउंटिंग है वो फॉलो करेगा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द न्यूमेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन। इससे क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? क्रिएट होगी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया अकाउंटिंग का मीनिंग। कुछ ने डेफिनेशंस दी है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करना क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होगी, फाइनेंशियल नेचर की होगी, अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटी दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन, जो कि यूजफुल होगी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए।
एंड नेक्स्ट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या है अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा भी ये डेफिनेशन दी गई है, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसे हम बोल सकते हैं AICPA। AICPA के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, AICPA की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो AICPA की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर से, और किस टर्म में करते हैं, मनी के टर्म में, और जो ट्रांजेक्शन है और इवेंट है वो किस करेक्टर के होंगे, फाइनेंशियल करेक्टर के, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, अकाउंटिंग में जितना भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जितना भी क्लासिफाई कर रहे हैं जैसे जितना भी समराइज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा, मनी की फॉर्म में होगा, जो जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी जितने भी इवेंट्स होंगे वो भी किस करेक्टर के होंगे, फाइनेंशियल करेक्टर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग, फर्स्टली हम कलेक्ट करेंगे डेटा को फिर हम रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद हम समराइज कर देंगे क्लासिफाई करेंगे समराइज करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर द जजमेंट एंड द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के, फटाफट से एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा मीनिंग में, क्या पढ़ा हमने अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज का मेन मोटो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कि कम्युनिकेट करना। वो कम्युनिकेट क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को, और अकाउंटिंग क्या फॉलो करेगा, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, एंड अकाउंटिंग फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो कैसे कौन से करेक्टर में होंगे, फाइनेंशियल करेक्टर के होंगे। ठीक है, टू कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग फॉलो ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द नुमेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसी के रिजल्ट होगा कि वो क्रिएट होगी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, वो शो करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और बैलेंस शीट क्या शो करती है, वो शो करती है इंडिकेट करती है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एट ए पर्टिकुलर डेट, दैट इज फॉर द बैलेंस शीट। एंड उसके बाद हमने डेफिनेशन कर ली, मीनिंग क्लियर हो गया अकाउंटिंग का, जितना भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे जितना भी कलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड करेंगे क्लासिफाइंग करेंगे समराइज करेंगे वो सभी फाइनेंशियल करेक्टर का होगा। ठीक है, दैट इज फॉर द अकाउंटिंग। एंड हमने टू डेफिनेशंस करी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू, एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एपीबी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड के अकॉर्डिंग।